हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज जो लेक्चर होगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री का होगा, लेकिन आज लास्ट लेक्चर होगा। जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं अभी तक, उन सब का आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या किया हुआ था कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज फाइंड आउट की हुई थी। आज लास्ट लेक्चर होगा, पूरे जो जितने भी लेक्चर्स 5-6 लेक्चर्स किए हुए हैं उन्हीं का एक समराइजेशन है। और क्वेश्चन आज का जो पहला है वो क्या कह रहा है, टू कॉस पाई अपान 13 इंटू कॉस 9 पाई अपान 13 एंड प्लस कॉस 3 पाई अपान 13 प्लस कॉस 5 पाई अपान 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि ये हमें प्रूफ करना है। ओके, क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू, यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 cos a cos b, ये a है ये b है, 2 cos a cos b इक्वल टू क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a plus b एंड प्लस cos a माइनस बी। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से हमें मिलेगा cos a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 × 1 = 10 हो जाएगा, ठीक, 10 पाई अपॉन 13 एंड प्लस a माइनस बी। दैट मीन्स यहां पे चाहे इसको ए मान ले चाहे इसको बी मान ले, तो यहाँ पे वैसे भी कॉस अगर माइनस में आता है तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से 9 × 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 पाई बचेगा, कॉस 8 पाई अपॉन 13 एंड प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 एंड प्लस कॉस 5 अपॉन 13। अब ये दोनों एक साथ निकल करके आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ अरेंज कर लेंगे और इसको एक और इसको इसके साथ अरेंज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो यहाँ पे cos c plus cos d आ जाएगा, ठीक, तो cos c plus cos d, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि जो cos c plus cos d है तो वहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पे इसको और इसको, ये और ये, इन दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कितना निकल करके आता है, 10 पाई प्लस 13 पाई, तो कितना हो जाएगा, 13 पाई हो जाएगा, और 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, cos c plus cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 and into में cos c minus cos d by 2, तो यहां से कितना होगा, 2 cos, अब इसको इसको जोड़ेंगे तो इसको इसको जोड़ेंगे, 10 और 3 13 हो जाएगा, और 13 को 13 से भाग करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 cos pi by 2। ओके, इंटू में अब माइनस करेंगे, 10 में 3 घटाएंगे, 10 में 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos 7 pi बाई, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 यानी 13 × 2 = 6 यानी 13 × 2 = 26 हो जाएगा, ठीक, एंड प्लस अब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 cos कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, घटाएंगे 8 में 5 घटाएंगे 3 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos और 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 पाई बाई 26। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, इन दोनों की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
टू कॉस पाई बाई टू और ये यहाँ से कॉस सेवन पाई 26 एंड कॉस 3 पाई अपॉन 26। इसकी वैल्यू कुछ भी हो लेकिन बाहर जीरो है तो इसकी वैल्यू अगर जीरो सब्सटीट्यूट हो जाएगी तो ओवरऑल आंसर जो होगा हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स और ओवरऑल बाहर में कितना है, साइन एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स और बाहर क्या है, कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3x साइन एक्स और ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 3x कॉस एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। इस ब्रैकेट को पास, ये जो लिखे हुए हैं टर्म्स इनको पास रख देंगे और ये ओवरऑल इसको पास रख देंगे। कॉस वाले टर्म को हम पहले लिख देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस 3x कॉस एक्स एंड प्लस साइन 3x साइन एक्स, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाए कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इस जरा क्वेश्चन को, इस वाले टर्म को देखिएगा, कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स। ठीक, तो क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, दैट मीन्स कॉस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, और ये है कॉस 2x का फार्मूला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस 2x। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 2x हो जाएगी, तो यहाँ से कॉस 2x माइनस कॉस 2x, कॉस 2x माइनस कॉस 2x कितना आ जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, यही आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन्हीं बेसिक फार्मूलों पे ही डिपेंड है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर कॉस एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये कह रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, यानी कितना हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे क्या होगा, इस साइन वाले में, तो इस साइन वाले में क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू एंड इंटू में एक्स माइनस वाई बाई टू। ये किसका है, ये साइन में एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्चुअली में क्या था, ऊपर अगर स्क्वायर करते तो ज़्यादा हॉस्पोच हो जाता, तो यहाँ से आसानी से क्या करेंगे, बस टू का फोर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, फोर और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक, प्लस का निशान लगा देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ये और ये कॉमन हो रहा, तो कॉमन हमारा क्या हो रहा है, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और अंदर ब्रैकेट में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। इसकी जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी है। ठीक,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई बाई टू रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं किया गया है, सो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसको आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोगों ने ये जो तीन चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और लगभग लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा जो इलेवेंथ का जो लेवल था ट्रिग्नोमेट्री का, वो ओवरऑल हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की हुई है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स का चैप्टर का वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कहीं लगता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने कंटेंट कराया है, इस कंटेंट में कहीं पर भी कुछ छूटा है या कुछ कहीं पर भी कुछ कमी रह गई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और जो चीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है उसका एनालिसिस आप लोग ही कर सकते हैं कि क्या चीज़ छूटी है क्या चीज़ नहीं छूटी है, तो वो करा दीजिएगा। तो वो उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को करा दिया जाएगा आगे पीछे कर करके। अगर भले ही कोई भी नया अगर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर भी बीच में एक दो लेक्चर्स में उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख करके बताइएगा कि कौन सा यानी कि सफिशियंट है, या कहीं पर भी कुछ बताने की ज़रूरत है। अगर बताने की ज़रूरत है तो आप लोग उसे बताइएगा कि कौन सी चीज़ छूटी हुई है, उसे बताया जा सकता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों से एक यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और नहीं तो वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई भी कहीं पर भी डाउट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।